ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी कितनी अड़चनें आती है ना, जिनको समझना मुश्किल होता है और कभी कभी नामुमकिन। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग चलना ही छोड़ दें। सो अपना टेंट वेंट लग के रेडी हो चुका है और इधर हम लोग ग्रोसरी का सामान ले आए हैं। आई नो आपको किंगफिशर प्रीमियम दिख रहा होगा, बट ये वो चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हो। इसके अंदर वाटर बॉटल्स हैं और ग्रोसरी का सामान है जो हम अभी लेके आए हैं। बस कैसे देख रहे हो? हम नहीं, सॉरी, डी ओ पी। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, हमने 3 टेंट लगाए आज। एक डी ओ पी का सबसे डिफरेंट है, लक्ष्य भाई का वो रहा, मेरा वो रहा, और आज हम कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ करने वाले हैं। तो काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि भाई आपके पास रोज़ डिलीवर कुछ ना कुछ हो रहा है अमेज़ॉन से, तो क्या मंगाया है? तो मैं आज अभी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। एक तो मैंने ये मंगाया है बारबेक्यू करने के लिए, स्क्यू, अपना गैस चूल्हा जो हम आज यूज़ करने वाले हैं। साथ में मंगाया है ये पोर्टेबल बारबेक्यू सेटअप जो कैंपिंग के लिए यूज़ होता है। ये बहुत ही पोर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा छोटा है, कॉम्पैक्ट है और हल्का भी है, जिसे आप कैरी कर सकते हो। तो फटाफट सेटअप करते हैं क्योंकि हो रहा है अंधेरा, बारिश वाला मौसम भी हो रहा है। तो आज हम करने वाले हैं बारबेक्यू कुछ इस तरीके की खूबसूरती के साथ, कैंपिंग के साथ, चेयर लगा के। और ये है स्क्यू, ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी क्योंकि काफ़ी भाई लोग बोल रहे थे यार आपने अनबॉक्सिंग नहीं की, तो ये लो, मैंने अनबॉक्सिंग कर दी, पहले ही कर दी, आपको सीधा अंदर का सामान दिखा रहा हूँ। तो कोयले हमारे सेट हो चुके हैं, वो डाल देते हैं। क्या सा डालना, आग बुझनी नहीं चाहिए। तो अंगारे निकलनी चालू हो गई हैं हर्षित भाई। तो यहाँ पे कैप्सिकम, अनियन और टोमेटोज कट रहे हैं। सो गाइस आज हम लोग कर रहे हैं बारबेक्यू। तो मैंने पनीर को मैरिनेट कर दिया है जो DOP लेके आया था बहुत दूर से, मतलब 100 किलोमीटर जाके। उसके बाद मैंने इसको रेडी किया है। तो ये हमारी सीख है और इधर आग जलाने की प्रक्रिया चालू है। यह हमारा बारबेक्यू सेटअप, यह है कैंपिंग का असली मज़ा। तो आप लोग आए, कहीं भी करें, अपना कुकिंग का पूरा हिसाब किताब साथ रखें, क्योंकि कैंपिंग में अगर कुकिंग नहीं की तो कुछ नहीं किया आपने। कैंपिंग तो यार दो छोटे से सामान लेके कोई भी कर लेगा, बट जो असली मज़ा है ना कैंपिंग का, वो सब इसमें है। तो आप देख लो, अभी आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो फाइनली हमारा बारबेक्यू सेटअप इसने रेडी कर दिया। लगाओ, उल्टा हाथ लगा रहे, इस तरफ से लगाओ ना। ये तो टिचकुलेन का पहला पनीर टिक्का रेडी है। हम तीन, हमारे तीन है। अरे बीच में खोखला क्यों है? हैं? बीच का माल कहाँ है? बीच का माल कहाँ रहे को? खोखो भैया करी को। अरे बीच का माल नहीं लगाया। नहीं, ये ले लो, उसे वो खिस गया होगा, खिसक गया होगा, ये ले लो। अरे आगे पीछे हो गया वो सिस्टम। अच्छा, हम तीन, हमारे टिक्के तीन है। अमूल बटर, असली बटर, फुल बटर। मैं पूरे सेक देना। ये लाइटिंग ऐसी है, अब देखो कैसी हो जाएगी। ओए क्या, व्लॉग में नो कॉम्प्रोमाइज। यस, व्लॉग में नहीं, क्वालिटी में। क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज भाई, ये तो गजब की लाइट है भाई। और हमारे फूड में भी नो कॉम्प्रोमाइज, और फूड में, कैंपिंग में भी नो कॉम्प्रोमाइज। तो फाइनली 2 घंटे की मेहनत DOP की, सैम भाई की, और थोड़ी बहुत मेरी सी है भाई, कह सकते हो ना, सिर्फ अपने लिए। तो अभी ये बनने जा रहा है असलम का, असलम बटर पनीर टिक्का। तो इन्होंने ये गुप्त मसाला भी डाल दिया जो कि वो छुपा के रखते हैं, पर देता कोई नहीं है। तो सैम भाई वो ढूंढ के ले आए कहीं से। मैंने खुद बनाया, खुद बनाया। क्या क्या रेसिपी है इसकी? वो भी गुप्त है।
तो अब ये बनने जा रहा है टेम्पटिंग असलम बटर पनीर भाई, आपका स्पेशल मिर्च पर सिखा गए फ्राई का हुई रही होगी पूरी बढ़िया से। अच्छा डालो भाई डालो फटाफट, बैटरी नहीं है भाई। और डाल दूं क्या बाकी के लिए? बाकी के लिए बचा लेना। किस लिए? ये बाकी का बैच भी तो है, वो तो ऐसे खा लेंगे। अच्छा ये क्या हो गया भाई? भाई हो गया शादी ऐसा बनाया, बिल्कुल शादी जैसे होता ना। गाइस रुकाने जरा, सच में रेडी हो चुका है। इधर आप देख सकते हैं हमारा पनीर टिक्का रेडी है। इधर हमने पाव रेडी कर लिए हैं, फ्राई कर लिए थे बटर के अंदर, तो एक उठाते हैं लगाते हैं इसको। टमाटर धो लेना बोल तले ढंग से, टमाटर धो लेना। जब तक मैं इसे रेडी करो लक्ष्मी बताना कैसा बन रहा है। अति लाजवाब सुबह की, अति लाजवाब जुबान लब लो, ये इतना टेस्टी है। ओहो नीचे तो बटर ही बटर है, तो पीऊंगा मैं। बस टमाटर लो, मजा आ जाएगा। टमाटर का है ये रहा, जब बाइट लोगे ना तो मुंह में ऐसे रस फूटेगा। सो ये हमारा बर्गर सबवे बर्फ, ये हमारा कैंपिंग बर्गर रेडी। ओके टमाटर ये देखो बहुत जूसी है यार। टमाटर का स्वाद बताओ कैसा है? फूटा था पानी ये तो पूरे होट में लाल लाल हो गया। सॉरी यार आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है बट बहुत टेस्टी है ये तो, वाकई में टेस्टी बन गया। टेस्टी है भाई। देखो बारबेक्यू का मजा आज हमने उठा लिया। सच बताओ ऐसा मैंने रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। मिर्ची दोगे? हाँ ये पाव के साथ मिलते हैं ऐसे पाव के। आया तीखा स्वाद गाइस, बहुत जूसी है और टप टप हो रहा है पूरा मक्खन, पूरा मक्खन टप टप हो रहा है। मजा आ गया, मतलब बन गया। काट सो फाइनली गाइज हमने डिनर भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। अब डिनर के बाद जो हमारा काम रहता है वो सबसे ज़्यादा ना दुख देता है कैंपिंग में, बिकॉज सारा सामान फैल जाता है और उसके बाद उसको समेटना साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लो ये हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, और ये हमारा सारा बच गया है खाना, बट हम इसे फेंकेंगे नहीं, इसको सुबह यूज़ करेंगे। और ये सारा सामान अभी हमें पैकअप करना है भाई। मैं तो मन तो ऐसा कर रहा है कि पढ़ के चित्त हो जाओ, बस क्या करें, ये काम करना जरूरी है, साफ सफाई रखनी है, नेचर का भी ख्याल रखना जरूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम तो ये करेंगे बट अगर बाय चांस कोई इमरजेंसी में कोई बंदा आ गया यहाँ का तो वो यही बोलेगा कि आपने सारा गंद फैला रखा है, तो ये काम हमें अभी करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम लोग सोएंगे। तो एक काम करते हैं सुबह मिलते हैं कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ, और अगर रात में कोई एक्टिविटी हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ओके मेरी वाली एक्टिविटी भी, सारी वाली एक्टिविटी। ओके तो अभी शुशु कर लेना, कभी रात में बोलो कोई आ गया कोई आ गया, यहाँ चिता नहीं आएगा। चलो तो एक काम करते हैं सुबह मिलता है। गुड नाइट गाइस, बाय। मैं चांद नवाब सीधा मैं चांद नवाब सीधा वो क्या कराची से अनरूले मुल्क। सो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के लगभग, गुड आफ्टरनून कैसे, अभी 7:06 हो रहे, दिख रहा है टाइम, वैसे कभी दिखता नहीं है, 7:46 दिख रहा है आपको टाइम, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। सो गाइस सुबह हो चुकी है, मैं तो फ्रेश हो गया हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया है, ब्रश वगैरह और पोटी वगैरह भी कर लिया है। ये लोग रहते हैं पीछे की तरफ, हमने दिख रहा है हाँ वहाँ पे हमने अपना वॉशरूम टेंट लगाया हुआ है। अब उसका क्लोजअप नहीं दे सकता क्योंकि वो थोड़ा प्राइवेट मामला हो जाता है। तो ये दोनों फ्रेश हो रहे हैं, मैं जब टॉप एंगल व्यू देता बिल्कुल हाँ, ये जब तक फ्रेश हो रहे हैं तो एक काम करते हैं सारा सामान समेट लेते हैं और चलते हैं डुबकी मारने। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ना सारा सामान फैला हुआ है, और हर्षित ने अपना टेंट पैक कर लिया है, लक्ष्य भाई का टेंट ये रखा हुआ है, मेरा सामान, मेरा टेंट अभी तक लगा हुआ है जो मुझे पैक करना है, इसके अंदर सारा सब कुछ फैला हुआ है।
अब लगने वाली है मेरी बहुत तगड़ी वाली, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। थैंक यू DOP। तो गाइस हम लोग निकल के आ गए हैं कैंपिंग वाले स्पॉट से यहाँ पर घाट पर, और स्नान कर लिया है तो वाटर में से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि बिल्कुल चिल्ड है। और बाहर जब हम वहाँ पैकिंग कर रहे थे इतनी तेज़ धूप हो गई थी कि हालत ख़राब हो गई, पसीने पसीने हो गया, टैनिंग भी हो गई प्लस। तो अब वाटर में जो मज़ा आ रहा है, सच में स्नान करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और गंगा माँ के दर्शन भी हो गए। बाकी अपना लगेज पास में ही है, स्कूटी यहीं बिल्कुल सामने खड़ी हुई है, और अभी पीछे 108 डुबकियाँ लगाई जा रही है। शर्मा जी कंटिन्यू कर रहे हैं। हर हर गंगे। ट्रिप तो बहुत सारे कर रहे हैं हम लोग आजकल, बट क्या होता है ना, कभी कभी ना एक हमें स्पिरिचुअल भी ट्रिप करना चाहिए। और कोरोना के टाइम पे हरिद्वार आना, मतलब इससे कोई बेटर ऑप्शन नहीं लगा कि हम लोग भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जो भी इस टाइम पे चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए प्रेयर करते हैं कि सबको इससे राहत मिले। तो इस वजह से हम लोग हरिद्वार आए, और एक सेफ प्लेस था जिस पे ट्रैवल कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, दोबारा से संपूर्ण लॉकडाउन हो रहा है। ये अभी सिर्फ न्यूज़ में देखने को मिला है। हाँ, न्यूज़ में देखने को मिला है, बट अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं सोच रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी सावन चालू होने वाला है, तो हो सकता है कि जैसे जितने भी कांवड़ यात्री होते हैं वो आते, तो इस वजह से ना हो सकता है कि लॉक किया जा रहा हो, क्योंकि उन बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाएगी, और फिर समझाना मुश्किल होता है लोगों को। तो हो सकता है कोई भी रीज़न हो, तो एक बार हम भी, हो सकता है न्यूज़ भी गलत हो, ये भी नहीं है। तो अभी गंगा माँ में डुबकी मारते हैं भाई, बड़े छुपे पत्थर नहीं है, इधर आओ ना, इधर सिर्फ आ रहा है। DOP आया, कूदेगा। DOP ब्लू हो रहा है। हाँ भाई, जो काम करना है वो पहले करते हैं, अपने प्रार्थना करते हैं। भाई आ जाओ, चिल्ड पानी भाई। जल